हलो फ्रेंड्स वेलकम टू रेसिपी गुरु बाय सुमति नम्मनिक्कु ओरु स्पॉन्जियान इंस्टेंट इडली सूपरा एप्पडी पण्रदुन्नु पार्क्क पोरोम सो वीडियो कुल्ला पोरतुक्कु मुन्नाडी यारो चैनल सब्सक्राइब पण्णलियो सब्सक्राइब पण्णि बेल बटन प्रेस पण्णुंगा सो दैट ना पोडुर वीडियोस उंगलुक्कु उडने उडने किडैक्कुम आल्सो फॉर न्यू अपडेट्स एन्नोड इंस्टा हैंडल रेसिपी गुरु बाय सुमति अकाउंट फॉलो पण्णुंगा सो इन दिस स्पॉन्जियान इंस्टेंट इडली एप्पडी पण्रदुन्नु नम्म पार्क्क पोरोम इदु रोम्ब टेस्टिया इरुक्कुम रोम्ब स्पॉन्जिया इरुक्कुम और हाफ एन हवर नहीं सूपर इडली पड़ी सापड़ा रोम टेस्टिया ना एपी पड़े नम्बर पाकलो इतान इनक्रीडियंसा को स्क्रीन शाट यूस्फुल इंब वीडियो कोल ना और टम्लर रव ए वचन नार्मल यूशल रव दात्र टम्लर और वर टम्लर अल्व के ओट्स एटें सो ओट्स उड़मुक रोम ना डस्ट आगे फिल्लिंग वो ना वो मिक्स और ड्राई पउडर अरे ड्राई पउडर अरेचाच इन वो और वानलो और पेनो नम्बर इत रव वरतकल और लेस देन फाइव मिनट्स वरतंटा पद जस्ट रोम सवकनोंवश्यम कुछ वरतंटा पद इन कुछ अर और त्री फोर मिनट्स ना वर्तन इन ओट्स पउडर पड़ोटे ना वो अड़प अणचिटे अंत सूटे अवयो सूटे ये ना परटिकल रे ना मिक्स पड़िया ना वरतंटाच ना अंद पेन वो कुछ एण कुे स्पून अल्व के एण कु वो स्पून अल्व के कड़गु पड़ रहा कड़गु கொஞ்சம் வடிச்சதுக்கப்புறமா கடலை பருப்பு கொஞ்சம் முந்திரி அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து பொடி பொடியா கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணலாம் சோ இப்போ இதெல்லாம் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா நான் இப்போ அப்படியே அதை எடுத்து அந்த ரவையில கொட்ட போறோம் சோ ரவையில அதை நல்லா போட்டு mix பண்ணிடலாம் சோ இப்போ நாம வந்து இத வந்து தயிர் கொட்டி கரைக்க போறோம் சோ தயிரும் தண்ணியுமா தான் mix பண்ணி பண்ண போறோம் सो इतक और स्पून साल अंड ना कुछ कलंकल ना मिक्स पड़ी उठकल इे मेशर टम्लर और टम्लर ना गटी तयो ना गटी तयर ए ना ना मिक्स पड़ी उठेंगे अंत तय ना अंत रव फा ना अंत तय वो एलोम ना पड़ा मारे मिक्स पड़ी उड़ें सो अंद तई टम्लर कुछ तन्नी कोट्टी उन्नु कुछ मिक्स पन्रे सो और टम्लर तईर अंड और टम्लर तन्नी सरिया इरुक्कुम बट तन्नी कोट्टच्चे पात्तु कुछ कुछ कोट्टी अदे कलरी उडुंगा एन्ना रवा अदे तन्नी इळुत्तुक्किरद पोर्त्तु नींगा कोट्टणुम रोम्बा तन्निया इरक्कूडादु अदे मारी रोम्बा तिक्कावुम इरक्कूडादु इंद कन्सिस्टेंसिक्कु इरुक्कलाम इप्पो नम्ब ओरु 15 ल इरुंदु 20 निमिषम् अदे मूडि वैक्क पोरोम सो और इवसम आरंदु पाक इतनी ना तनिया तयर ना इतें रव इन कुछ गट्टिया नम्ब कुछ वाटर मिक्स पड़ी इंजा अव तलर्तिकल ऐसा नम्ब इडली तटल अल्वकुक्त कंसिस्टेंसी ना मिक्स पड़िया इमुक सर कुत्र अल्व सर इन वो अरे स्पून अल्व के सोडा कुकिंग सोडा अभी सेतर कंपा से साफ्टा ना मुक मुन इड्ली ना वो तुव कैरट सेतर कुछ कोल पड़िया कट पड़ा उलरफुला टेस्टिया अंड पाक नल्क उड़मुक हेल्तिया इत आपशन बट ना ग्रीस पड़े नई कुत्ती कुल इडली तटद इन इव ए कुत्र और 12 टू 15 मिनट्स वो ना मीडियम फ्लेम अड़प्लो कुर अड़े ती आशल को ना इडली तटल एला फिल पड़ी नंब वाला कंपा पड़ी पांग रोम सूपर रोम टेस्टिया सो ना वो मेल कुछ इन वो कुर वो
ஸோ குக்கரில் நான் சொன்ன மாதிரி அடியில் தண்ணி கொட்டிட்டு மறக்காமல் வெயிட்டை எடுத்துருங்க. அப்புறம் ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து நான் இப்போ இதை திறந்து பார்க்குறேன். 12 to 15 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் போதும். ஸோ இப்போ நமக்கு இட்லி ரெடி ஆகிடுது. ஸோ இப்போ இதை எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு 3-4 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம தட்டிலேருந்து எடுக்கலாம். ஸோ ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஆறிடுத்து இப்போ நான் எடுக்கிறேன். இப்போ ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் இட்லி நல்லா. இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இட்லி, நல்லா கனமாக ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்திருக்கு. பார்க்கவே நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ ரெட் அண்ட் க்ரீன், எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அந்த கேரட்டும் அந்த கொத்தமல்லியும் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது பாருங்கள். அண்ட் எவ்வளோ நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள் இட்லி, சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நான் இங்கே பார்த்துருப்பேங்க எவ்வளோ ஈஸின்னு. இது மாதிரி ஒரு 1/2 hour நினச்சா டக்குன்னு பண்ணிடலாம். நம்ம வீட்டில் ரவை தயிர் இருந்தால் போதும், டக்குன்னு பண்ணிடலாம். ஸோ நம்மளோட சூப்பரான இட்லி இப்போ ரெடி ஆகிடுது. அதோட தேங்காய் சட்னியோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள். எவ்வளோ ஈஸியாக பிக்க வருது பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பிடிச்சி பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எவ்ரி வெட்னஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே ஒரு புது வீடியோ போடுறேன் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. See you soon.